हेलो फ्रेंड्स, जागृति वेज फूड में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे शकरकंद का हलवा। ये रेसिपी जो है आप उपवास में उपयोग कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले शकरकंद हमने बॉईल करके लिए है। शकरकंद को हमने स्टीम करके बॉईल किए हैं। इसके हम छिलके निकाल लेंगे सारे। आसानी से देखो ऐसे निकल जाएंगे। तो सारे शकरकंद के हमने छिलके निकाल लिए हैं। अभी हम छलनी की मदद से इसे ग्रेट कर लेंगे ताकि अंदर जो रेशे हैं तो निकल जाएंगे। अच्छी तरह से इसे ग्रेट कर लेंगे। तो देखो ये ग्रेट हो चुका है अभी। तो यहाँ पे हमने गैस पर ऑलरेडी कढ़ाई रख दी है। उसमें हम एक बड़ा चम्मच जितना डालेंगे घी। घी हमारा मेल्ट होने के बाद हमने जो शकरकंद को ग्रेट कर लिया है वो डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे शक्कर। 250 ग्राम जितने हमने लिए थे शकरकंद, तो उसमें हमने 75 ग्राम जितनी हमने ली है शक्कर। आप अपने टेस्ट के अनुसार शक्कर का नाप जो है घटा बढ़ा सकते हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब तक शक्कर हमारी मेल्ट हो जाए तब तक हिलाएंगे लो फ्लेम पर। और अभी हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट। काजू बादाम और किशमिश हमने यहाँ पे ली है। देखो ये डाल देंगे। और थोड़े से ड्राई फ्रूट हमने चॉप करके रखे हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा लिया है ड्राई फ्रूट। यहाँ कोपरे का छीन लिया है, बादाम, पिस्ता, किशमिश और काजू। तो इससे हम गार्निश करेंगे। ड्राई फ्रूट बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट ले। और आप जितना पसंद करते हैं उतना डालें। तो फ्रेंड्स, बनाइए शकरकंद का हलवा और अपने अनुभव हमें जागृति वेज फूड पे जरूर शेयर करें। बताइए कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।